इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट क्रिकेट 2019। साउथ अफ्रीका की टीम के साथ भारत ने तीन मैचों की टी20 सीरीज में एक एक की तो बराबरी कर ली। अब बारी है तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए, जिसके लिए दोनों ही टीमें पुरजोर कोशिश में हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ ये टेस्ट सीरीज कई मायनों में खास है। एक तो 4 साल के बाद भारत अपने घरेलू मैदान पर प्रोटियाज के साथ टेस्ट सीरीज खेल रही है, और दूसरा इस टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की टेस्ट बादशाहत भी दांव पर रहने वाली है। इन सब के अलावा एक और बेहद खास बात तो ये है जिस पर सबकी नजरें रहेंगी, और वो है भारतीय टीम के सफलतम ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा इस टेस्ट सीरीज में पहली बार ओपनिंग की जिम्मेदारी निभाएंगे। टीम इंडिया के सेलेक्टर्स पहले ही साफ कर चुके हैं कि रोहित टेस्ट में ओपनिंग करेंगे, और टीम के कोच रवि शास्त्री भी कह चुके हैं कि वनडे और टी20 में ओपनर के तौर पर बेहद सक्सेसफुल रहे रोहित को टेस्ट में भी पूरा मौका दिया जाएगा। इसके पीछे की वजह है रोहित खुद को टेस्ट क्रिकेट में साबित कर सके और टीम के लिए टेस्ट में भी मैच विनर साबित हो। वैसे अगर सब कुछ ठीक रहा और साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोहित शर्मा टेस्ट में बतौर ओपनर अपनी शुरुआत करेंगे और उनका साथ देंगे मयंक अग्रवाल। जी हाँ, अब रोहित मयंक अग्रवाल के साथ टेस्ट में ओपनिंग करने के लिए उतरेंगे। टेस्ट क्रिकेट में पूरे 47 साल बाद यह पहला मौका होगा जब दो फ्रेश बल्लेबाज भारतीय धरती पर किसी टेस्ट मैच में अब ओपनिंग करेंगे। मयंक अग्रवाल भारत में साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना पहला टेस्ट खेलेंगे और ओपन करेंगे। वहीं रोहित शर्मा भारतीय धरती पर पहली बार किसी टेस्ट में पारी की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट ऑन स्पोर्ट्स से ऋतिक की रिपोर्ट।